अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल विद योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्लास विद अ ग्रामर क्लब लेसन। वी हैव डन यूनिट नंबर वन, टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर टू। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट अस डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज सम वन इन पॉजिटिव सेंटेंसेज एंड यूज एनी वन इन नेगेटिव सेंटेंसेज। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट we are going to discuss today is someone and anyone. So now our topic is someone, anyone, everyone and no one. Here the page in front of you is the starting page of your unit number 2. Let us read the captions of these pictures. Saturday was my birthday. I invited my friends to a party at 2 o'clock. At 2 o'clock, there was no one here. I looked outside, but I couldn't see anyone. At 2:15, someone rang the doorbell. Everyone arrived together. Now, students, notice कि यहाँ पर जितनी भी मैंने यहाँ पिक्चर की रीडिंग की है, यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है पहली पिक्चर में नो वन, दूसरी पिक्चर में एनी वन, तीसरी पिक्चर में सम वन और चौथी पिक्चर में एवरी वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। जैसे वो 2 बजे देख रही थी तो कोई भी उसका दोस्त उसकी बर्थडे पर नहीं पहुंचा था। फिर उसने बाहर जाकर देखा तो तब भी उसे कोई नहीं नजर आया। उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एनी वन। नो वन और एनी वन दोनों का मतलब है कोई नहीं, लेकिन नो वन जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी वन जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब यहां पर है थर्ड पिक्चर में सम वन, इसका मतलब है कोई एक या किसी ने, यानी किसी ने 2:15 बजे बेल बजाई। और फिर लास्ट पिक्चर में लिखा हुआ है एवरी वन, इसका मतलब है कि सब, तमाम, यानी हर कोई। नो वन कोई नहीं, एनी वन कोई नहीं नेगेटिव सेंस में, सम वन कोई एक, और एवरी वन हर कोई। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज ए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग सम वन एंड अ फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। सो इजी स्टूडेंट्स, यू हैव डन एक्सरसाइज लाइक दिस इन योर प्रीवियस लेसन ऑल्सो। Just you have to look at the picture, then choose a suitable phrase from the box and write it over there in the given lines, as the first one is done for you. In first picture, you can see the window is broken. So we have took the phrase from the box, broke this window. तो उसके पीछे आप लगाएंगे someone, यानी हर पिक्चर के स्टार्ट में जो आप सेंटेंस लिखेंगे उसका स्टार्ट का वर्ड someone होगा। After that, you will choose the phrase that is related to the picture. Then go to exercise B. Write someone or anyone. अब यहाँ आपने क्या करना है, सिचुएशन के मुताबिक यानी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हुए someone या anyone लिखना है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ anyone is written for the negative sentences, यानी जब negative sentences होते हैं, do not, does not का word जब use हो जाए, will not का word use हो जाए, shall not का use हो जाए, तब आप जो है वो anyone use करते हैं। और someone जो है positive sentence में होगा। जैसे number one sentence पढ़े, I am going to tell you a secret. Please don't tell anyone. अब यहाँ पे don't का word use हुआ है, it means यहाँ पर anyone use होगा। Look at the sentence 3. तीसरा sentence देखें, listen, there's dash outside in the yard. Who is it? अब यहाँ पर कोई not का word use नहीं हो, कोई negative sentence use नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम theirs के साथ जो blank है वहाँ पर लिखेंगे someone. Similarly, you can do all the 6 blanks. Look at exercise C. Complete these questions using a word from the box and anyone. यानी अब आपके पास box में words हैं, वो आप उठाएंगे और साथ उसके word के बाद anyone लगाएंगे। जैसे पहले sentence में है, I'll bring the books to your house tonight. Will anyone be at home? अब विल उसने वहां बॉक्स चूज किया और एनीवन खुद लगा दिया। इसी तरह आप बाकी 5 सेंटेंसेस भी कर लेंगे। जब आप ये कर लेंगे, देन सेंड मी योर पिक्चर्स एंड आई विल मार्क।